सात सुरों के धागों से बंधे संगीत को अपनी मखमली आवाज से गाने का हुनर आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में देखने को मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी को उसी धुन में गीत की लाइनों को उल्टे गाते हुए सुना है? अगर नहीं तो ज्वालामुखी के मनोज शर्मा को सरस्वती ने इस हुनर से नवाजा है। सुनकर जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है कि मनोज बॉलीवुड से लेकर पंजाबी और पहाड़ी गानों को गीत की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द से उल्टा गाना शुरू करते हैं और शुरू तक पहुंचा देते हैं। मनोज को शायद यह गॉड गिफ्ट ही मिला है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई अलग से तालीम नहीं दी है। दिव्य हिमाचल से विशेष मुलाकात में मनोज शर्मा ने अपने हुनर का प्रदर्शित किया। हिंदी फिल्म आशिकी के गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना से शुरुआत करने के बाद मनोज ने कई गीतों को पहले सीधे फिर उल्टा गाया। बकौल मनोज, जब वे ज्वालामुखी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय उनमें गीतों को खुद ब खुद उल्टा गाने का हुनर आ गया। घर की जिम्मेदारियों के कारण मनोज अपनी प्रतिभा को नहीं निखार सके, वे नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। मौजूदा समय में वे नोएडा में एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ अपने उल्टे गीत गाकर अपने साथियों का मनोरंजन करते रहते हैं। हाँ सर, आपका नाम, शुभ नाम क्या है? आप नाम बताएं। मेरा नाम मनोज शर्मा। और कहाँ के निवासी हैं? मैं ज्वाला जी। ज्वाला जी कहाँ हैं? जी हमीरपुर। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में जॉब करता हूँ। हमीरपुर में मैं इसी मतलब अपना टैलेंट दिखाने के पर्पज से आया। अच्छा जी 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 जी। वैसे तो ग्लोर का रहने वाला हूँ, तहसील मेरी ज्वाला जी पड़ती है। कहाँ के रहने वाले आप? ग्लोर, अपर ग्लोर। अपर ग्लोर, अपर घलौर। घलौर करने वाले जी। सर आप, सुना है कि गाने में आपको काफी महारत हासिल है, आप जितना सीधा उसको गा सकते हैं उतने उसको उल्टा। जी जी, कोई सा भी सॉन्ग किसी भी लैंग्वेज में हो, मैं उसे उल्टा गा सकता हूँ। मैं सामने सीधा गाने वाला होना चाहिए, मैं उसे उस टाइम ही उल्टा कर दूंगा। अच्छा, तो आपने कब सीखा ये हुनर, कहाँ से आया ये? ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली आया है, या ऐसा मान लो कि गॉड गिफ्ट है। मतलब कैसे भी करता हूँ कर लेता हूँ मैं, और उसमें एक भी वर्ड गलत नहीं होगा। तो आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप में ऐसा हुनर आ गया, कब महसूस किया? एक्चुअली मैं जब पढ़ता था स्कूल टाइम में तब मैं गाता था, बट मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, ठीक है सर। लेकिन जैसे जब मैं जॉब पे गया तो वहाँ मैं गाता था, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने भी बताया मुझे कि आप इस टैलेंट को आगे दिखाओ, तो इसलिए मैं फिर मैंने नेट में ये पढ़ा आपका दिव्य हिमाचल अखबार का, तो मैंने सोचा वहाँ से कोई मुझे एडवाइस मिलेगी कि मेरा हुनर आ गया। जी क्या, तो आप कितने साल से ऐसा कर रहे हैं, कौन सी उम्र से स्टार्ट कर दिया था आपने? ये होगा 17 या 18। अच्छा 17 18 में। उस टाइम कौन सी कक्षा में पढ़ते थे आप? मैं 10th या प्लस 1 में था। 10th या प्लस 1 में। जी जी। कोई भी शुरू कर दीजिए। तो हिंदी से शुरू करवे? हाँ सीधा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अब यही पूरा कंप्लीट करूं या इसी को उल्टा गाऊं? उल्टा ओके, अब मैं उल्टा गा रहा हूँ। रे धीरे दी से री में गिंदजी मैं ना आ, रे धीरे दी से रे में लदी को नराचू। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट।